तो सेम स्टार कास्ट के साथ शुरू कर रहे हैं, वेलू जी के डायरेक्शन में और आनंद ओझा जी काजल जी के साथ बलमा हिंदुस्तानी। अब इसका क्लाइमैक्स बहुत गजब का, वेलू जी बता देंगे। चलिए, ये हमारे अगले प्रोड्यूसर हैं और हम लोग बहुत जल्दी इसके बाद एक प्लानिंग करेंगे। जैसा कि टाइटल उन्होंने आज ही आपके सामने घोषणा कर दिया, बलमा हिंदुस्तानी, और हम लोग एक बहुत ही साइंस फिक्शन टाइप की, अलग टाइप की मूवी थोड़ा प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द इसकी घोषणा विधिवत तरीके से हम लोग करेंगे आपके बीच। और रितेश जी के साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग हुई है, अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में मुलाकात हुई और अच्छी ट्यूनिंग जमी है। हम लोग दिन सब्जेक्ट पे डिस्कशन किया और सब्जेक्ट इनको बहुत पसंद है और बहुत जल्दी इस पर हम लोग काम शुरू करने वाले। मतलब सैया के बाद बलमा लेकर आएंगे? जी जी जी, बलमा लेकर आएंगे। घेरना पति को ही हर जगह। हाँ हाँ जी, लेकिन पति का रूप बदला रहेगा हर बार अलग अलग तरीके से। रहेगा पति ही रहेगा जी। चलिए, थैंक यू ज्यादा। अरविंद भैया आ जाइए, अरविंद भी आइए पहले अपन। माइक जरा चलते रुआ सब के बीच मौका मिलल बा हमरा आवे के, ओकरा बाद मीडिया भाई लोग के, मीडिया से जुड़ल भाई लोग के प्रणाम करतनी, जरा माध्यम से पूरा देश के कोना कोना में भोजपुरी बा तहाँ तहाँ हमरों के यहाँ सब है, उम्मीद बा जरूरे ले जाए। ओकरा बाद में दर्शक बंधु के प्रणाम करतनी, जरा सहयोग से आशीर्वाद से आज हमनी के ये मुकाम पर बनी जा। ये फिल्म के गीत अपन तीन गो छोट भाई बेलू जी, आनंद जी और छोटे बाबा जी, तीनों आदमी के सहयोग से विचार से हम लिख रहल बनी। गाना में कलम के हमार जवान बनावे के भरपूर प्रयास यहाँ सब कैले बनी। श्रोता दर्शक के एगो उत्सुकता रही कि वीरेंद्र पांडे जे 60 पार कर गई बा, ओकर कलम कैसे जवान हो चल जाता। हम वादा करतनी कि अपन कलम के जवानी देखावे के प्रयास करब। बाकी सब रुआ सबके आशीर्वाद प्यार चाही। जय भोजपुरी, जय दर्शक।